स्वयं का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अब इसको समझते हैं कि स्वयं में संगीत या व्यवस्था का अर्थ क्या है, किस प्रकार स्वयं में संगीत या व्यवस्था होगी। तो हम लोग अभी जीने का जो पहला स्तर है मानव, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब हम लोगों ने मानव को मैं और शरीर के सहस्तित्व के रूप में पहचानने काम किया, समझने काम किया। अब हम स्वयं के बारे में विस्तार से बात करें, मैं के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। ये बात आई कि मैं में जानने और मानने का काम होता है, शरीर में तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ पहचान निर्वाह करना होता है। अब मैं क्या हूं, और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जब अपनी ओर ध्यान देते हैं तो जैसी बात आई थी कि मुझमें इच्छा विचार आशा क्रियाएं होती हैं, इन्हीं सारी इच्छाओं को या क्रियाओं को जोड़कर देखें, है ना, इच्छा विचार आशा को जोड़कर देखें, तो उसको एक शब्द कहेंगे कल्पनाशीलता। कि मेरे अंदर हर क्षण कल्पनाशीलता चल रही होती है। अब इसका एक आपका ओपिनियन ले लेते हैं इसके ऊपर, इसको थोड़ा आप देखना शुरू करिए। इच्छा विचार आशा, ये तीन शब्द रखे गए थे, इसको जोड़कर भी एक नाम दिया कल्पनाशीलता। तो आप कुछ ना कुछ कल्पना इस समय आप कर रहे हैं, क्या लगता है, ठीक बात है, नहीं है? दूसरा, क्या ये कल्पना हर समय चलती है या कुछ समय के लिए चलती है, इसको देखना है। और जब आप में कल्पना चल रही है तो शरीर में क्या हो रहा है और शरीर से आपका जुड़ाव किस प्रकार है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करिए। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? विजित जी, बहुत देर से आपने कोई बात नहीं रखी। विजित जी, आपने अनम्यूट किया है? जी सर, गलती से अनम्यूट हो गया है। अच्छा, बात ठीक जा रही है? जी जी बिल्कुल। नितिन कुमार जी ने अभी तक कोई प्रश्न नहीं किया है। नितिन कुमार जी, प्रदीप सेन जी, तो आपको ये देखना है कि मेरे अंदर ये कल्पनाशीलता कभी कभी चलती है या हर क्षण चलती है। ऑब्जर्व करिए, अभी क्षण ऑब्जर्व कर लीजिए। हर समय चलती है, हर समय चलती है। कभी कभी चलती है। इसको बताएं, कभी कभी अब चलती है, ये हमको कैसे पता लगता है कभी कभी चलती है? जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से डूबे होते हैं उस समय कल्पना या अन्य चीजों के बारे में कोई विचार भी नहीं आता है, वर्तमान में ही जी रहे होते हैं। और जैसे ही उन सब से निकल के बैठे होते हैं और फिर योजनाएं, कल्पनाएं और तमाम ढेर सारी चीजों का फिर आगमन, तो मतलब फुल टाइम तो नहीं चलती। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो सुधीर जी बताइए, जब आप किसी काम को डूब के कर रहे होते हैं तो उस समय उस काम को किस विधि से करना है, कैसे करना है, उस काम में क्या क्या करना है, ये सारा निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर? नहीं सर, दिमाग उसमें काम कर रहा होता है, करा रहा होता है, लगातार लगे ही होते हैं उसमें। अब जहां तक खासकर जैसे सुबह कोविड पेशेंट को हम क्रिया कराते तो लगातार कराते रहते हैं स्टेप टू स्टेप। ये स्टेप लेने का जो निर्णय होता है वो कौन लेता है, आप लेते हैं या शरीर लेता है? नहीं, वो तो मन में एक आता जाता है। तो मन कहाँ है, आप में या शरीर में है? नहीं, है तो हम में ही, शरीर भी हम में है, मन भी हम में है। अभी रुक जाइए, आप पिछली वाली चर्चा में थे जब लोग मैं, इसलिए मैंने काफी समय उस पे रोक के चर्चा किया। तो शरीर और आप, ये अलग अलग चीज है, एक ही चीज है? एक ही है। देखिए, अभी तो हम लोग ने करीब 2 घंटा इसे बात किया, डिस्कशन किया, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चीजें हो जाती है। अब हम बिल्कुल अलग अलग उसको करते चले जाएंगे तो एक अलग तरह की स्थिति बन जाती है, लेकिन जिस उसमें जी रहे हैं भाई, कोई क्रिया होती है, मन में आता है, शरीर उसको एक्शन में परिवर्तित कर देता है, तो बहुत सूक्ष्म तरीके से अपन उसको पृथक पृथक कर लेते हैं, तो पृथक है ही भाई। जिसको मन कह रहे हैं वो मन कहाँ है, मैं में है या शरीर में है? नहीं, अब सर मैं किस में, मन में या शरीर में, मैं भी तो वही दोनों में
कहीं ना कहीं है एक दूसरे से जुड़े हुए। पिछली चर्चा को सुन पाए थे जब हम पिछली बात कर रहे थे? सुन रहे थे। तो ये दिखाई देता है कि मैं की आवश्यकता शरीर की आवश्यकता दोनों अलग अलग है, मैं की क्रिया शरीर की क्रिया अलग अलग है। ये भी बात है कि शरीर जड़ इकाई है, मैं चैतन्य इकाई हूँ। जिसको मन कह रहे हैं वो तो चैतन्यता है जी। हेलो, हाँ गणेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, मैं कहना चाह रहा था कि मन में अलग है, शरीर अलग है। जब हम कल्पनाशीलता की बात करते हैं, जब भी कोई काम की बारी आती है कि हमें ये काम करना है, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो स्वयं हमारे मन में कल्पना शक्ति जागृत हो जाती है और एक कल्पना चालू हो जाती है कि हम योजना बना रहे हैं तो ये किस प्रकार से इसको करेंगे, इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कौन कौन से साधन या संसाधन लगेंगे और किस तरीके से इसको हम क्रियान्वित करेंगे। तो ये शरीर का हिस्सा नहीं है बल्कि ये मैं का हिस्सा है जी, तो मैं बिल्कुल अलग है। और ये जो मैं कैसे काम करता है यहाँ पर, इसके संबंध में भी मैं अपने विचार रखना चाहूंगा कि मैं जब भी विचार करता है तो वो एक दृष्टिकोण के आधार पर करता है, एक विजन बनता है और वो विजन हर एक व्यक्ति का अपना अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ हम जिस मैं की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिक तार्किक और प्रामाणिक और सुख समृद्धि के संदर्भ में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी मैं की, तो यहाँ पर यह है कि मैं शरीर से अलग है और मैं जो है वो जिससे दूसरे को भी आनंद मिल सकता है, दूसरे को भी जो है उसका वो सुखी हो सकता है, वो समृद्ध हो सकता है, तो उस संदर्भ में उसकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो रही है, उसकी आशाओं की भी पूर्ति हो रही है। तो हम ऐसी कल्पना करने लगते हैं और ये मैं यहाँ पर सार्वभौमिक संदर्भ में जी, मैं और क्लेरिफाई कर दूं। बस जी 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 नहीं नहीं, थोड़ा मैं क्लेरिफाई कर दूं गणेश जी, कि हम किसी और मैं की बात नहीं कर रहे, मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो अभी हम उन सब चीजों को भी ना लाएं कि कोई सार्वभौमिक बात है कि रैशनल बात है कि नहीं। अभी आप अपनी ओर ध्यान दें तो आप अपने में देखें कि आपके अंदर कल्पना चल रही कि नहीं। आप जैसे हैं, जो हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर कल्पनाशीलता चल रही है कि नहीं? ये कल्पनाशीलता आप में चल रही है या शरीर में चल रही है? ये मैं में चल रही है। मैं में चल रही है ना? तो अभी बातों को भी क्लियर करने दें कि बात सार्वभौमिक है कि नहीं, तार्किक है कि नहीं। अभी तो ऑब्जर्व करें चीजें, जैसा है वैसा ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें। जी 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 जी। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, धन्यवाद। कल्पनाशीलता की जहां तक बात है, तो जब मैं अपने उसमें देखता हूँ कि जब मेरा मन वर्तमान में रहता है तो कल्पनाशीलता नहीं रहती, लेकिन भविष्य की ओर जब मेरा मन भटकता है तो कल्पनाशीलता की ओर जाता है। तो जैसा कि हम श्वासों पे ध्यान ले जाते हैं तो हम तुरंत वर्तमान में आ जाते हैं, तो उसमें हमें एक अलग आनंद की अनुभूति होती है और भावनाओं पर कंट्रोल भी होता है श्वासों पर ध्यान ले जाने से। तो जितने आते हैं तो जब हम उस अवस्था में रहते हैं, निंद्रा में रहते हैं, तो वो एक जो एक मन है वो एक कल्पना में भी जाता है, वो भूतकाल में भी जाता है, तो पुरानी घटनाएं भी कभी कभी याद आती हैं, और भविष्य में जाता है तो एक कल्पना में भी जाता है। तो कभी हम विचार करते हैं जैसे वर्तमान में रहकर, लेकिन आगे की हम प्लानिंग करते हैं तो वो मन हमारा भविष्य में भी जाता है, तो ऐसा होगा। तो बहुत सारी भावनाएं आती हैं, डर की भी आती है, खुशी की भी आती है, बहुत सारी, बहुत अपने आप में एक गहन चिंता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता, थैंक यू जी। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं कि जब वर्तमान में होते हैं तो वर्तमान की कल्पना चलती है, भविष्य की सोचते हैं भविष्य की कल्पना चलती है। तो ऐसा नहीं कि जब वर्तमान में है तो वर्तमान में कल्पना रुक गई है। तो वर्तमान में ना, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो आपके अंदर कल्पना चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही तभी तो मैं तो आपकी बातों में ही खोया हूँ। जी जी। तो अगर आप देखें तो आपके अंदर कल्पना चल रही है, तभी तो आप शब्दों का चयन कर पा रहे हैं, तभी तो आपको क्या बात रखनी है क्या नहीं रखनी है उसको आप निश्चित कर पा रहे हैं। तो कल्पना तो चल ही रही है। कल्पना मतलब ऐसा नहीं कोई भविष्य की या कोई अतीत की कल्पना, कल्पना मतलब इच्छा विचार आशा का समुच्चय, इसको कल्पना करें। तो मेरे अंदर कोई इच्छा बनी हुई है, कुछ विचार चल रहा है, कुछ आशा बनी हुई है, इन सबको जोड़ के कल्पनाशीलता करें। ये कहाँ हो रहा है? मैं में हो रहा है, शरीर में जड़ क्रियाएं हो रही हैं और मेरे और शरीर के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। तो मैं जब आपसे कोई बात कह रहा हूं तो मैं कोई निर्देश दे रहा हूं अपने शरीर को, और जब मैं स्लाइड को पढ़ रहा हूं, जब मैं आपके शब्दों को सुन रहा हूं, तो मुझे शरीर से कोई सूचना मिल रही है संवेदना के रूप में।
यही काम हर बार हो रहा है जी। तो अगर ये जो हमने पोल शेयर किया उसको थोड़ा सा देखें तो कुछ ना कुछ कल्पना इस समय में चल रही है, सभी लोग इससे सहमत हैं। हर समय चलती कि नहीं चलती है, इस पर कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि हमेशा नहीं चलती, और इसको हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, इसको और आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई देने लगा कि हर समय चलती है, परंतु अभी इसको आप ओपन रखें। जब भी आपको लगे कल्पना नहीं चल रही आप उसे नोट कर लीजिए टाइम, बहुत सिंपल काम है। आपको दिखाई दे कि मेरे अंदर कुछ क्रियाएं चल रही है, इच्छा विचार आशा, उनके समुची को हमने कहा कल्पना और शरीर है, और मुझमें जो कल्पनाशीलता हो रही है उसी से मेरा व्यवहार और कार्य तय हो रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये व्यवहार है, उसमें जो बातें कह रहा हूँ मेरी कल्पना में है, मेरे अंदर जो भाव है वो मेरी कल्पना में है, जब मैं माउस को क्लिक कर रहा हूँ ये कार्य कर रहा हूँ मैं, तो शरीर के माध्यम से मैं व्यवहार कर रहा हूँ कार्य कर रहा हूँ, बट उसका जो सोर्स है जहां से वो चीज तय हो पा रही है मुझ में है, सेल्फ में है। और थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा जो भी कल्पनाशीलता है हमारे अंदर उसकी एक वस्तु है, वस्तु मतलब कुछ ना कुछ है, कंटेंट है, उसको पहचान सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई देखने की कि मैं हूं और शरीर है, दो तरह की चीजें हैं। दूसरी बात ये हो गई कि मुझ में कल्पनाशीलता चल रही है, शरीर में नहीं। तीसरी बात देखने की ये हो जाती है कि जो भी मैं व्यवहार करता हूँ कार्य करता हूँ उसके आधार में मेरी कल्पनाशीलता होती है। चौथी बात अपनी कल्पनाशीलता की वस्तु को पहचानने की है कि किसी भी क्षण में मुझ में क्या कल्पना चल रही है। जैसे अभी आपसे मैं बात कह रहा हूँ, बट हो सकता है मेरी बात सुनते सुनते आप टेक ऑफ हो जाए, मैंने अभी कोई बात कही और उससे बात से ही आपको अपना ऑफिस ध्यान में आ जाए, ऑफिस से आपको अपना कोई प्रसंग ऑफिस में घटित हुआ वो ध्यान में आ जाए, उस प्रसंग से कोई आपको मित्र ध्यान में आ जाए, मित्र से कोई पुरानी घटना याद आ जाए, उस पुरानी घटना से आपको अपने पेरेंट्स याद आ जाए, ये सब चल रहा है आपके अंदर। कहाँ चल रहा है, मैं में या शरीर में? तो आप में चल रहा है। आप अभी टेक ऑफ कर गए, मैं आपसे बात करो आप टेक ऑफ कर गए, टेक ऑफ कर गए मतलब आपकी कल्पनाशीलता कहीं और चली गई, मेरी बात को ध्यान नहीं है, परंतु कल्पनाशीलता तो चली रही है, वो आप में ही चल रही है, ये बात पहचानने की है। तो इस कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उस कंटेंट को पहचानना, ये चौथी बात है। जो पांचवी बात है इस कल्पनाशीलता के स्रोत को पहचानना कि मेरी कल्पनाशीलता चल कहां से रही है, उसके आधार में क्या है। उसका एक आधार हो सकता है मान्यता, जिस पर मैंने थोड़ी बातें की। दूसरा एक आधार हो सकता है संवेदना, जो मुझे शरीर से सूचना मिलती है। तीसरा आधार है सहज स्वीकृति, जो मुझ में है, जो मेरा इनेट है, जो सहज रूप से मेरे अंदर बना हुआ है। एक उदाहरण लेता हूँ, फिर जो हैंड रेज हुए उन पे मैं उनके प्रश्न ले लूंगा। तो जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं ना, और आपका जो पड़ोसी एक नई चमकीली लाल रंगी कार लेकर आ जाए, अब आपने उस कार को देखा और उसका जो लुक है आपको बहुत पसंद आया, नया है, चमकीला है, लाल है, नए फैशन का है, अब उसका जो भी सेंसेशन आपको मिला, दृश्य मिला, उस दृश्य से आपके अंदर एक कल्पना चल पड़ेगी, काश मेरे पास भी ऐसा कार होता। और आप सोचना शुरू करते हैं कि मैंने अभी अपनी FD कितनी कराई है, अगर FD तोड़वाऊंगा तो कितना पैसा निकलेगा, उससे मैं कार ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। अब वो उस कार के एक दृश्य से आपके अंदर एक कल्पना जन्म ले गई, और वो कल्पना चलती जा रही, दिन दो दिन चार दिन महीने भर चल रही है। फिर किसी पॉइंट पे आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, अभी कोई दूसरा काम है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कार में पैसा नहीं लगाएंगे। परंतु कल्पनाशीलता तो चल गई, कहाँ से चल गई, एक संवेदना से चल गई। दूसरा एक उदाहरण हो सकता है कि आप किसी पार्टी में गए, आप गए अपनी पुरानी मारुति 800 से, अगले व्यक्ति नई लिमोजा है ना, लाल रंग की लंबी चमकीली कार से उतरा, जब आप उतरे तो आपको रिसीव करने के लिए दो ही लोग आए, जब वो व्यक्ति उतरा उसको रिसीव करने के लिए 10 लोग आए। तो आपको ऐसा लग सकता है कि जब आप लंबी चमकीली नई कार से उतरते हैं तो ज्यादा सम्मान मिलता है। अब एक मान्यता बन गई हमारे अंदर कि अगर सम्मान पाना है तो मुझे भी ऐसा ही कार रखना चाहिए। अब ये क्या हो गया, आपकी कल्पनाशीलता का स्रोत क्या हो गया, एक मान्यता कि कार से सम्मान मिलता है, इच्छा बनी कार की, स्रोत क्या बना, कोई मान्यता। एक तीसरा स्रोत भी हो सकता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां से मुझे हो सकता है कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर ऑफिस जाना पड़ता हो, कोरोना का टाइम है, अभी आने जाने के लिए मेट्रो बंद है या गाड़ियां बंद है, तो मुझे अपने आप में एक आवश्यकता हो सकती है एक ऐसी वस्तु की जिससे मैं अपने शरीर का आवागमन कर सकूं। अभी कोई कार पुलिंग भी नहीं कर रहा क्योंकि कोरोना में कोई किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है, तो मुझे एक आवश्यकता दिखती है कि हाँ ऑफिस जाने के लिए आज के दिन एक कार की हो तो मैंने कार ले ली। तो इसका स्रोत क्या बना, सहज स्वीकृति, या मुझे परिवार के साथ कहीं जाना होता है और लगता है कि बार बार आने जाने में कठिनाई होती है तो हमने कार ले ली ताकि परिवार के साथ आना जाना हो जाए। अब हमने समझ के लिए, आवश्यकता को समझ के लिया
तो मुझे सहज स्वीकृति से तय हुआ। अब उसी कार की इच्छा तीनों जगह से हो सकती है, संवेदना से भी, मान्यता से भी और सहज स्वीकृति से भी। अगर मान्यता से वो इच्छा बन रही है तो आप परतंत्र हैं, क्योंकि उस कार से सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा निश्चित नहीं है, हमने मान लिया अपने आप में। अभी आपको नहीं पता कि 10 लोगों ने जो रिसीव किया, उन्होंने जो उससे अपेक्षाएं रखी, उस व्यक्ति से अपेक्षाएं किस प्रकार की हैं और आगे कैसा व्यवहार होने वाला है। कोई अपेक्षा हो सकती है कि जो व्यक्ति इतनी लंबी कार से उतरा है वो कम से कम 1000 रुपया गिफ्ट तो देगा, और उस व्यक्ति ने 1000 रुपया गिफ्ट नहीं दिया, 100 रुपया गिफ्ट दे दिया। अब उतने ही लोग उसकी आलोचना करने लगे कि इतना पैसा आपने कार पे लगाया, अब बताओ इतना छोटा सा गिफ्ट लेकर आया, आप छोटी सी कार से उतरे परंतु आपने गिफ्ट उनको ज्यादा बढ़िया दिया और उसका लोगों के अंदर आपके प्रति ज्यादा सम्मान का भाव बन जाए। तो हो सकता है इसमें एक अनिश्चितता है, ये परतंत्रता है ना, बाहर की किसी वस्तु से हम सम्मान पाने जा रहे हैं इसलिए परतंत्रता है। वैसी अगर संवेदना की बात करें तो ये भी परतंत्रता है। आप बैठे हैं बालकनी में और एक कार दिख गई और आप कार के साथ घिसटते हुए निकल गए, है ना, वो कार तो आपके सामने से निकल गई बट आपकी इच्छा भी उसके साथ चिपक गई, वही परतंत्रता है। आज कार दिख गई, कल कोई और चीज दिख सकती है, परसों कोई और चीज दिख सकती है। आप अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और आपको एक बहुत ऊंची बिल्डिंग दिख गई और इच्छा बन गई कि फ्लैट यहाँ लिया जाए, यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी है, पार्किंग के लिए एरिया है, टहलने के लिए स्थान है, तो आपकी इच्छा बन गई। अब ये भी एक परतंत्रता है क्योंकि बाहर पर मैंने दूसरा बाहर दूसरा कोई वस्तु हमारे को तंत्रित कर रहा है, हमारे को नियंत्रित कर रहा है। परंतु यदि हमारी इच्छा हमारी सहज स्वीकृति से आ रही है तो हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं अपने आधार पर तय करता हूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ। इसको आप लोग अपने आप में देखना शुरू करें, 1:30 बज गया है, मैं अभी तक जो भी बात हुई जो भी प्रश्नों के मैं उपलब्ध हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए हैंड्स रेज में, बट फॉर्मली इसको क्लोज कर लेते हैं सेशन को और मैं उपलब्ध रहता हूँ और फिर 3 बजे से वापस लौट के इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जी। तो प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया मैं पुरानी बात में ही जोड़ना चाह रहा था कि जहाँ ये मैं शब्द का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हो सकता है तो ये मानव के रूप में मैं को हम वो शब्द से समझ पाते हैं, तो मतलब ये मैं ये जिसको हम आपकी आवाज कट जा रही है भैया। भैया आवा रही? हाँ अभी आई। हाँ ये मैं पिछली बात में ही जोड़ रहा था भैया कि अभी हम जो लोग मैं से जो समझते हैं ना वो मैं है ना पूरा व्यक्ति या मानव या उसको मैं कहते हैं कि मैं है ना मैं पूरा मैं, तो उससे शायद थोड़ा सा गलत, या मैं में अपन जो यहाँ बात कर रहे हैं जीवन या चैतन्य या अंतर्मन या जो हम अंतर में जो कुछ है हमारे को जो शरीर को चला रहा है उसके लिए हम मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इसमें शायद कंफ्यूजन हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये इस पे थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। दूसरा कल्पना और विचार पे भी जो बात सब कह रहे थे उससे भी मुझे ये चीज समझ में आई कि चलता तो है बट उस पे शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए हमको पता ही नहीं लगता है कि हमारा विचार या कल्पना चल रही है, तो ये मुद्दा ये है कि हम शायद उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारा अंदर कोई विचार चल रहा है, तो ये शायद आप बात कहना चाह रहे हैं। जी सर बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ बलबीर बुंदेला सर, क्योंकि कल्पना हमेशा चलती है लेकिन शायद हम जब चेतन अवस्था में या अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि नहीं हम ये बात सोच रहे हैं, जब समझ में आता है, लेकिन हमेशा कनेक्टिविटी हमारी जुड़ी रहे कल्पना से कि हम क्या सोच रहे हैं, शायद इस वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हर समय नहीं सोचते हैं लेकिन वो हर समय चलती है कल्पना, लेकिन ध्यान कब आता है जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं तब ध्यान में आता है, अरे वो मैं उस कार के बारे में सोच, उस इस कलर की थी, उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा, तब समझ में आता है सर मेरी समझ से। जी सर बहुत अच्छा आप सब लोग इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इस ऑनलाइन मोड में भी हम इतना इंटरेक्ट कर ले रहे हैं, इतनी बात पहुंच जा रही है। जी गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर नहीं कोई बात है तो फिर मुझे लगता है फॉर्मली हम लोग क्लोज करें। दिलशाद भैया जी भैया, तो क्योंकि टाइम हो गया है जी हम लोग रोक सकते हैं 3 बजे, इसको आगे फिर से चर्चा को कंक्लूड करेंगे आगे और डिटेल में इस पे बात होगी। यदि इसको संवाद के रूप में लेके जाए ना तो इन्हीं सारी बातों को आप एक छोटे बच्चे के सामने भी लेके जा सकते हैं, उदाहरण बदल जाएंगे, विश्लेषण थोड़ा नए तरीके से होगा, बच्चों से जुड़े हुए जीवन के मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे। मैं आपको शेयर करूं, मैंने अपनी 6 साल की छोटी बच्ची से कुछ प्रश्न किए जो हम लोग कल बातें करेंगे, और ये सुख को लेकर भी प्रश्न किया कि सुखी होना चाहते हो या दुखी, उसने बताया, फिर मैंने कभी कभी या
हमेशा, उसने कहा हमेशा। तो ऐसे जेन्युइन प्रश्न अगर हम करेंगे बच्चों के साथ तो बच्चे बहुत ही ऑथेंटिक उत्तर देते हैं और उसको ध्यान में भी रखते हैं। इनफैक्ट अगर आपने अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव रख दिया तो बच्चे आपको पूरे समय आकलन करते हैं कि आपका जीना वैसा है कि नहीं। तो बच्चों के साथ आप पाएंगे कि ले जाना और बड़ी जिम्मेदारी का काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे उनकी कल्पनाशीलता अभी सीमित है, बहुत कम चीजों पर भी ध्यान गया है, परंतु जिन मुद्दों पर ध्यान दिला देते हैं उसको ध्यान बना रहता है और उन मुद्दों पर आपका भी आकलन कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी कह दिया बच्चे से कि ऊंची आवाज में बोलना तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है, और बच्चे ने कह दिया नहीं, और आप अगली बार कभी ऊंची आवाज में बात करें तो बच्चा आपसे जरूर पूछेगा कि आप ऊंची आवाज में क्यों बात करें जो आपको स्वीकार नहीं है। ये किनका प्रश्न था ये? जी मेरा, वर्णा श्रीवास्तव जी का। जी ठीक है, तो हम लोग बात को लेके आगे चलते हैं। वीना जी ने हैंड रेज किया हुआ अभी है या पहले से हैंड रेज रहा? नहीं नहीं अभी हुआ। वीना मैम नमस्ते। नमस्कार सर, मैं मंदसौर से आनंदम सहयोगी डॉक्टर वीना सिंह। जैसा कि वर्णा जी ने कहा और अभी कुमार सर ने कहा, मैं दोनों चीजों को कनेक्ट करना चाहूंगी यदि आपकी परमिशन हो। सर ने कहा कि हम जो करते हैं वो बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल होना चाहिए, तो ये चीज एक्सेप्टेंस जो है, इंग्लिश में कहा जाता है जज योर ऑडियंस। तो अगर हमें बच्चों को सिखाना है, वो हमारी ऑडियंस है, वो हमारे लर्नर्स हैं, तो उनके लेवल पे जाना होगा। मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ और पिछले कोरोना काल में ये मेरे मन में आया कि अल्पविराम या जिन चीजों से हम लाभान्वित हो रहे हैं ये बात हमारे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन के अलावा कोई माध्यम था नहीं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, आदरणीय अर्गल सर और हिमांशु भारत जी की मदद से हमने एक प्रोग्राम में आनंद हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए किया। और एक जो हमने कहा कि हम स्वयं को जाने, उसके लिए हमने आई द पावर एक प्रोग्राम किया। उसके बाद बच्चों का जो व्हाट्सएप प्रतिसाद आया वो मैं देख के हैरान थी। छोटी छोटी चीजें यदि बहुत बेहतर तरीके से प्लान करके और बिल्कुल सच्चे स्वरूप में अगर स्टूडेंट्स के सामने जाती है तो वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। उनका दिमाग हमसे कम क्राउडेड है इसलिए वो लेने के लिए ज्यादा ओपन है। मेरा ऐसा एक पोलाइट सबमिशन है इस बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, तो सर एक बार पूरी बात को एक बार रिकैप कर लेते हैं। इससे बात अभी हुई रही थी कि हम लोग अभी मानव में व्यवस्था संगीत को लेकर प्रश्न कर रहे हैं कि मानव में हारमोनी कैसे हो। उसी क्रम में हमने मानव को मय और शरीर के सहस्तित्व के रूप में समझने का काम किया। अब प्रक्रिया यही है कि जो भी बात मेरी तरफ से जा रही है प्रस्ताव के रूप में है, आप उसे जांचें अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर, फिर उसे जी कर देखें। तो अगर हमको कोई बात अपने अंदर भी सहज रूप से स्वीकार होती है और जीने में भी उससे उभय सुख या उभय समृद्धि निकल कर आती है तो बात हमारी समझ का हिस्सा बन जाता है। समझ मतलब हमको दिख गया कि हाँ ऐसा ही है, अब हमको उस पर कोई शंका कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। तभी हम लोग मानव को समझना शुरू किया। और थोड़ी सी अगर आप देखिए एक लिमिटेशन है कि हम लोग ऑनलाइन मोड में बातें कर रहे हैं, फेस टू फेस नहीं, परंतु जिस तरह से चर्चा हो रही है मुझे लगता है कि एक फेस टू फेस डिस्कशन भी ऐसे ही हो पाता तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग अपने अपने विचार उस पर रख पा रहे और फिर हम लोग बात को आगे ले जा पा रहे हैं और उसी क्रम हम लोग आगे भी चलेंगे। उन्होंने मानव को मैं और शरीर दो तरह की वास्तविकताओं के सांस्कृतिक के रूप में पहचाना कि मैं चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। फिर मैं का अध्ययन शुरू किया, दिखता है कि मैं यानी चैतन्य इकाई जहाँ पे चैतन्य क्रियाएं हो रही है, इच्छा विचार आशा हो रही है, उन्हीं को सबको जोड़कर कल्पनाशीलता कहा। और ये दिखता है कि मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और शरीर के साथ जो मेरा आदान प्रदान है वो सिर्फ सूचना का है। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ तो मैं एक सूचना देता हूँ कि ये बात जानी है निर्णय के रूप में, एक चयन के रूप में, फिर वो शब्द के रूप में बाहर आता है। और जो मैं दृश्य देख रहा हूँ अपने सामने स्लाइड पे उसको पढ़ के मैं फिर सूचना लेता हूँ शरीर से और फिर मैं उसके आधार पर चयन करता हूँ। और ये काम बारंबारता में होता रहता है, शरीर के साथ अस्तित्व पूर्वक होता रहता है। फिर कल्पनाशीलता को देखें तो उसके आधार पर ही हमारा व्यवहार और कार्य तय होता है। जो भी हमारे अंदर चल रहा था उसी से हमारा व्यवहार तय होता है। अगर आवेश में है तो एक तरह का व्यवहार होता है, आराम में है तो अलग तरह का व्यवहार होता है। आवेश में है तो एक तरह का कार्य होता है, आराम में है तो अलग तरह का कार्य होता है।
जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कौन व्यक्ति कितने आराम से दरवाजा बंद कर रहा है, इसे पता चलता है कि वो व्यक्ति अपने आप में कितने आराम में है। जैसे अगर आपके ऑफिस से कोई निकले और बहुत धड़ाम से दरवाजा बंद करके जाए तो आपको समझ में आता है कि आपके व्यवहार से वो खुश हुआ कि दुखी हुआ। व्यवहार हमारी कल्पनाशीलता से तय होता है। इस कल्पनाशीलता को देखें तो उसका जो कंटेंट है, जो भी चल रहा है हमारे अंदर, उसको हम ध्यान देके देख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट काम है, मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। कई बार आपको ये देखना भी मुश्किल पड़ता है क्योंकि हमारा ज्यादातर जो अभ्यास है बाहर की चीजों को देखने का है। अपनी ओर देखना शुरू करें, और ये एक एक्सरसाइज हो सकता है आपके लिए। आप इसे आप लौट के कर भी सकते हैं और इस शिविर के बाद भी अपने आप में करते रह सकते हैं कि जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको लिख लें कि मेरे अंदर कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, दिन भर क्या चला, रात में एक बार देख लें, अगली सुबह एक बार देख लें। उससे आपको पता लग जाए कि अभी आपकी स्थिति क्या है, कितने आराम में है, कितना कठिनाई महसूस कर रहे हैं, कितना सुख है, कितना सुख का भाव है। तो कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है उसके तीन स्रोत हो सकते हैं, जिस पर मैंने बात किया था। एक तो मान्यता, दूसरी तीसरी सहज स्वीकृति। कल्पनाशीलता के यही तीन स्रोत हैं, और इन तीन स्रोतों में ये देखने की बात है कि मेरी कल्पनाशीलता का क्या स्रोत है। एक उदाहरण मैंने लिया था कार का, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। जहाँ कानपुर में हम लोग केंद्र बनाकर काम कर रहे हैं उसके पास में गांव है बोरहा, तो वहाँ पे हम लोग एक बार शिविर कर रहे थे। ऐसे ही गांव में हम लोग हर ऐसे आसपास के 8-10 गांव में शाम को 2-3 घंटे बैठ के लोगों के साथ शिविर किया करते थे, हफ्ते का 10 दिन का। उसमें एक उदाहरण निकल कर आया, उसमें एक सज्जन थे जो गोरहा गांव के पास ही बिजली विभाग है सरकारी, वहां पे वो एक कर्मचारी थे, और उन्होंने अपना गांव में एक मकान बनाया था जो एक तल्ले का था, सिंगल स्टोरी का था। उसमें 5 कमरे थे, परिवार में ये पति पत्नी और इनके 4-5 बच्चे थे, और 5 कमरों का मकान था, पर्याप्त था रहने के हिसाब से। और तो जो गोरहा गांव है वो राजमिस्त्रियों का गांव है, वहां सभी मैसनरी का काम करते, घर बनाने का काम करते हैं। उनके पड़ोस में जो व्यक्ति था उसने, क्योंकि वो राजमिस्त्री था, मेटेरियल बस उसको लाना था, अपना लेबर हुआ, एक दोनों को जुटाया, उसने बनाते बनाते 2 महिला मकान बना लिया। इनको हर काम दूसरे से कराना था, तो एक राजमिस्त्री ने जिसका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था 2 महिला मकान बना लिया, इनका मकान 1 महिला ही रह गया। इनके बच्चों ने कहना शुरू किया कि ये क्या है ना, गाँव में तो हमारा कोई सम्मान ही नहीं रहा, आप गवर्नमेंट जॉब में रहकर अपना 1 महिला मकान बना पाए, ये दिहाड़ी का आदमी और ये 2 महिला मकान बना ले गया, हमारी तो नाक कट गई। तो बच्चों के दबाव में आके इन्होंने क्या किया, अपने प्रोविडेंट फंड से सारा पैसा निकाला, उस प्रोविडेंट फंड के पैसे से इन्होंने 2 महिला मकान बनाया, उसमें 2-4 साल का समय भी लगा। तब तक ऐसा करते कराते एक बार कुछ समझ में, उनकी जो लड़कियां थी वो शादी करके अपने ससुराल चली गई, जो लड़के थे वो काम पकड़ कर शहर निकल गए, कहीं कहीं निकल गए। अब ये हो गया कि 5 कमरे नीचे, 5 कमरे ऊपर, 10 कमरों का मकान, रहने वाले सिर्फ पति पत्नी, और PF पूरा खत्म हो गया इनका। इनके पास आज के दिन अगर रोज के खर्चे भी करने हो तो बच्चों से पैसा लेना पड़ता है। उन्होंने शिविर में बताया कि अगर हमने ये बात पूरी पहले सुनी होती तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। अब ये मान्यता है कि अगर मैं सरकारी भाग में हूँ, मेरा गवर्नमेंट जॉब है, तो मेरा मकान एक दिहाड़ी के व्यक्ति से ऊपर होना चाहिए। अब उस मान्यता में उन्होंने अपना पूरा इनकम लगा दिया। ऐसे मान्यताएं हमारे अंदर कई बार कल्पनाशीलता को अलग दिशा में ले जाती हैं। इसका एक स्रोत संवेदना भी हो सकता था, जैसे मान लीजिए गांव में रह रहे थे, आसपास नाली में गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं, अब वो वहां से निकलकर वो अपने किसी मित्र के यहाँ जाते और देखते कि उसने एक अच्छा मकान बनाया, शहर में सड़क पक्की है, चारों तरफ खुला हुआ एरिया है, व्हाटएवर है ना, पार्क है, जो भी है, अब उसको देख कर दृश्य से प्रभावित हो जाते, काश मेरा भी शहर में मकान होता, और अपने मकान को बेच के गाँव में शहर में आके मकान खरीदने लग जाते, और फिर उसमें उनका जो भी कम पड़ता उसमें सारा PF का पैसा लगा देते। अब ये कल्पनाशीलता कहाँ से आ गई, संवेदना से, किसी का हमने मकान देखा, उसका कलर, उसका बनावट, उसका रखरखाव, ये सब देख के हम प्रभावित हो गए और हमारी इच्छा बन गई कि हमारे पास भी ऐसा ही एक मकान हो। एक तीसरा स्रोत भी हो सकता है जहाँ हम अपने आप में तय करें कि अगर हमारे पास पति पत्नी और कुछ बच्चों के साथ रहने के लिए 5 कमरों का मकान है तो पर्याप्त है, क्या जरूरत है। हाँ, अगर बच्चे भी विवाह करके हमारे साथ ही रहने वाले हैं और परिवार में 5 कमरे कम पड़ने वाले हैं तो ऊपर मकान बना लेंगे। फिर हमने अपने आधार पर जांचा, समझा और फिर उसका निर्णय लिया। तो ये देखने की बात है कि हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसका स्रोत क्या है। एक और मैं उदाहरण लेता हूँ कि किन्हीं भैया ने बोला भी था डिओड्रेंट के बारे में कि हमारे देश में कुछ समय पहले तक डिओड्रेंट नहीं आए थे मार्केट में,
बट ये मुझे ध्यान है 99 में इंडिया में ही वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का मैच, और उस समय डिओड्रेंट पहली बार इंडियन मार्केट में आया था। ये करीब 1.5-2 महीने वर्ल्ड कप चला और पूरे टूर्नामेंट में ये दिखाया गया कि मैच चल रहा है, कोई लड़का बैठा हुआ है, उसने डिओड्रेंट नहीं लगाया है, तो एक लड़की उसके जो पास बैठी होती है उससे दूर चलती चली जाती है, फिर वो डिओड्रेंट लगा लेता है तो लड़की पास आने लगती है। अब ये बार बार दिखाया गया, यानी आप डिओड्रेंट लगाओगे तो लोग आपके ज़्यादा समीप आएंगे। अब ये जहाँ मैं काम कर रहा था उस समय, वहाँ मेरे साथियों ने इस एड को देखा कि मैंने देखा कि ये लड़कों को किसी को भी पहले डिओड्रेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। अब ये डिओड्रेंट उन्होंने ऐड में देख लिया, फिर आपस में बातचीत शुरू हो गई डिओड्रेंट के बारे में, उससे पूछने लगे कि तुमने डिओड्रेंट लगाया कि नहीं लगाया। और मजे की बात एक और हुई कि इन बच्चों ने डिओड्रेंट लगाना शुरू कर दिया और नहाना कम कर दिया। अभी क्या हो गया, एक चीज जो हमारी आवश्यकता नहीं थी पहले, अब एक आवश्यकता बना ली हमने। किस आधार पर? किसी मान्यता, किसी संवेदना के आधार पर। मान्यता बन सकती है कि है ना, अगर आप डिओड्रेंट लगाओगे तो लोग आपके समीप आएंगे। सेंसेशन हो सकता है कि किसी का डिओड्रेंट का गंध हमको बहुत पसंद आ जाए, हम सोचे कि हमको भी ऐसा डिओड्रेंट चाहिए, गंध से प्रेरित हो गए लगाने के लिए। बट यदि सहज स्वीकृति से जांचे तो देख सकते हैं कि हमें इस तरह के वस्तु की आवश्यकता है कि नहीं है। ये काम है जो हम में से हर व्यक्ति को करने की होती है, मौलिक काम है। हम में से हर व्यक्ति को अपना अध्ययन करके देखना है कि मेरे अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसका स्रोत क्या है, मान्यता है, संवेदना है या सहज स्वीकृति है। तो अगर मान्यता से चल रही तो भी परतंत्र है, संवेदना से चल रही तो भी परतंत्र है, सहज स्वीकृति से चल रही तो जाके स्वतंत्र है। बात ठीक है कहना, यहाँ एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, फिर कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो उसको है सुनेंगे उसको। यानी रख दिया है? नहीं, क्या ये एक मिनट, क्या यह देख पाते हैं आप कि अगर मेरी कल्पना मान्यता या संवेदना पर आधारित है तो मैं परतंत्र हूँ? इस पर आपको रिफ्लेक्शन देना अपना। ये विष्णु जी ने हाथ उठाया है, जी विष्णु जी बताएं। सर मैं आपने जो उदाहरण बताया वो उत्तर प्रदेश वाला लाइनमैन का, कर्मचारी का, तो ये जो मान्यता वाला शब्द है ये बार बार जो है मुझे कंफ्यूज कर रहा है। इसको मान्यता ना कह के हम उसका व्यक्ति, उसकी व्यक्तिगत कल्पनाशीलता कहें तो ज्यादा उचित होगा कि मतलब किसी उद्दीपक को देख करके, किसी दृश्य को देख करके हमारी जो कल्पनाशीलता, काल्पनिक विचार आते हैं तो वो मान्यता कहना ठीक नहीं होगा। सॉरी मैं आपको इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन मान्यता, एक मान्यता मैं समझता हूँ कि एक वृहद रूप में यदि स्वीकारोक्ति जहाँ पर हो तभी वो मान्यता कहलाए, और यदि किसी व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति को देख करके, किसी दृश्य को देख करके मेरे मन में जो विचार उपज, यदि उसने गाड़ी खरीदी है तो मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, तो ये मान्यता नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत जो उत्तेजना है, आवेश है, जो भी कह ले ये ठीक रहेगा। सॉरी जी जी, नहीं ठीक बात है। देखिए कल्पनाशीलता तो व्यक्तिगत ही होगी। हाँ हाँ, कल्पनाशीलता जब भी होगी व्यक्तिगत ही होगी, उसका कोई ना कोई स्रोत होगा। स्रोत है, यस, है ना, उसका स्रोत क्या है वही देख रहे हैं। तो मान्यता को तो अभी हमने ऐसा लगा, ऐसा माना हुआ है कि जो बहुत ही बृहद पैमाने पर फैला उसको मान्यता कहेंगे। मान्यता है बृहद भी हो सकती है, मान्यता सूक्ष्म भी हो सकती है, और सुविधा से सम्मान मिलेगा, सुविधा से सम्मान मिलेगा, ये मान्यता है। जी जी जी, है ना, अगर ठीक से देखें तो मान्यता क्या है, सुविधा बराबर सम्मान। कई बार सर, कई बार अंदर से उमड़ती है, मतलब कल्पनाशीलता जो है स्वयं से उत्पन्न होती है, जब अपन कुछ भी काम नहीं रहता है, हम स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद हों, तो अंदर से जो है काल्पनिक शक्ति का स्रोत उत्पन्न होता है, वह स्वयं से ही, जैसे मैंने मृत्यु की बात करी थी, तो ये अंदर से बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं जिसमें
जिसको सोचने में आप जरूर कह रहे थे, मैं जवाब नहीं दे पाया था कि क्या आपने मर के देखा, तो अभी मुझे विचार आया कि मैं तो रोज मरता हूँ। सोते समय यदि हम जो है ये कल्पना करें कि मैं मृत्युशैया की गोद में जा रहा हूँ, आप भी करके देखिएगा, इसमें बहुत आनंद आएगा। और सब जब सवेरे जब उठेंगे आप तो एक नवजीवन में पैदा होते हुए स्वयं को पाएंगे। हालांकि कठिन चीज है, लेकिन पहली बात तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि क्या आपने मर के देखा। मैंने तो कहा कि अभी हमारे पास एक सूचना है कि है ना, शरीर तो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, परंतु शरीर जब नहीं रहता है तो मैं का क्या होता है, ये हमारे लिए अभी एक जांचने का मुद्दा है, समझने का मुद्दा है। और ये जो मान्यता की बात है ना, मान्यता का मतलब कि कोई चीज हमने जाने बगैर मान लिया, वो हमारी मान्यता बन जाती है। जो हम लोग जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना की बात कर रहे थे, तो जाने बगैर कोई चीज मान लिया वो मान्यता है, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मान्यता मतलब एक सोशियोलॉजी में ये एक शब्द आता है, मान्यता मतलब एक समूह, जब हम व्यक्तिगत ना लेके एक समूह के द्वारा ये मान्य कर लिया जाता है तब मान्यता बनती है। यदि किसी घर को देख करके मैं भी सोचूं कि यार ये घर मेरा, क्लैरिफाई कर दूं कि कुछ मान्यताएं सामाजिक हो सकती हैं जो समाज में फैल गई हैं, कुछ मान्यताएं व्यक्तिगत भी हो सकती हैं। उसको अपन उत्तेजना, उद्दीपक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसा रख ले, कोई शब्द रख ले, एक्स वाई जेड रख ले, तो हमारी कल्पनाशीलता का एक स्रोत तो है कि जाने बगैर कोई चीज हमने मान ली है। हाँ हाँ, ये सही है। और दूसरा स्रोत जो शरीर से आने वाली संवेदना है, तीसरा स्रोत जो मेरी सह स्वीकृति है। हाँ, ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती है अंदर से। लखनलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भी इसी मान्यता को लेकर एक उदाहरण देना चाहता था। जैसे आजकल जो शादियां होती हैं, उनमें डीजे का प्रचलन है, बहुत शोरगुल और ये सब होता है, बजाया जाता है। लेकिन जो मैं देख पाता हूँ कि अगर 1000 लोग उस शादी में है तो 900 लोगों को उस चीज से तकलीफ है, यार ये कितना शोरगुल है, कितनी अशांति है। अगर थोड़ा सा शोरगुल कम होता तो शादी का और अच्छे से इंतजार करता। सिर्फ 50-100 लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उस धूम धड़ाके में, गीत संगीत में और डीजे में। अब ये लेकिन मान्यता ये हो गई है कि बिना डीजे के शादी नहीं होगी साहब। तो ये क्या है, ये मान्यता है? मान्यता 90% लोग तो उसके खिलाफ है, लेकिन वो प्रचलन में जिसकी शादी हो रही है वो उसके खिलाफ नहीं है, मुद्दा ये है। तो अभी शादी उसकी मर्जी से ही हो रही है, शादी की जो पूरी तैयारी की गई है वो वर वधू की मर्जी से की गई है। तो चूंकि उनके अंदर ये मान्यता बनी है, इसलिए उनके अनुसार कर दिया जा रहा है। बुजुर्गों को समस्या हो सकती है क्योंकि वो नहीं इस चीज को मान पाए हैं। जो यंग लड़के हैं उन्होंने इसको मान लिया है कि ऐसा होना ही चाहिए। तो पूरा वेरिएशन है मान्यताओं में। तो मान्यताएं जो समय के साथ, एज के साथ, जगह के साथ बदलती रहती हैं। मान्यताओं में ना तो कोई निश्चितता होती है, ना निरंतरता होती है। जी 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 जी। बालवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार। जी नमस्कार। मान्यता के संबंध में मैं भी बात करूंगा सर। जी हिमांशु जी, 2 मिनट जरा, बालवीर जी कुछ कह रहे थे। हाँ जी। जैसे कि कुछ 1000 साल पहले या 200 साल पहले कोई मान्यता आई, लेकिन मैं अगर उस परिस्थितियों में 5000 साल पहले उन परिस्थितियों में अगर उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हो सकता उसे पहले जाना होगा, मतलब उस मान्यता को जाना होगा, तभी उसको मान्यता मिली। वो मान्यता तब उसको माना गया क्योंकि वो सार्वभौमिक उस टाइम पर सार्वभौमिक रूप से उसको एक्सेप्ट किया गया होगा। लेकिन परिस्थितियां कितना परिवर्तन हो गया उस टाइम से, परिवर्तन होते होते हो सकता है अब वो मान्यता है, तो उसको समझने का आज उसको जरिया है कि आज उसको समझे कि वो मान्यता कितनी सटीक है वर्तमान परिस्थितियों में। तो मैं मानता हूं कि उस टाइम पे जो मान्यता थी वो सार्वभौमिक हो सकती, हो सकता वर्तमान में वो सार्वभौमिक ना हो, मेरा विचार है सर। तो सार्वभौमिक ना कहें, मान्यताएं प्रचलित हो सकती हैं, मान्यताएं संक्षिप्त भी हो सकती हैं। हाँ, जो मान्यता मेरा आशय वही है सर। मान्यताएं समय के साथ बदलती रहती हैं,
और ये भी है कि अगर कोई चीज सही भी है, निवेदन था बार बार मेरे मन में द्वंद, जैसे अभी बीजे वाला उदाहरण आया ना, हम फिर से हमारे सामने आ गया, क्या करूं मजबूर हूं मैं। तो जैसे बात चल रही थी कि हम हमें स्वीकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, तो ये माने कहां, हम माने नहीं तो मान्यता नहीं हुई, मतलब एक तरह का बोझ ढो रहे हैं हम, तो मान्यता नहीं हुआ ना ये डीजे बजाना, क्योंकि 90% आप ही लोग कह रहे हैं कि 90% उससे परेशान हो रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी चलो भाई ये चलन में है, तो रिवाज कहें तो ठीक है, मान्यता मतलब माना ही नहीं तो काहे के लिए, वो तो बोझ ढो रहा है। नहीं, मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया कि जिसका विवाह हो रहा है उसने माना हुआ कि ऐसा होना ही चाहिए, हमारी शादी में डीजे बजना चाहिए, तो उसकी इच्छा से कर दिया जा रहा है, भले ही और लोगों को उसकी स्वीकृति नहीं बन पा रही, तो है तो मान्यता ही, मगर मान्यता ये सब में नहीं है, मान्यता उस पक्ष में है जिसके विवाह हो रहा है, किसी ने इच्छा व्यक्त की है कि मेरी शादी में डीजे जरूर बजना चाहिए, मेरी शादी में ये गतिविधि जरूर होनी चाहिए। तो एक और सर मैं इसका उलट उदाहरण देना चाहता हूँ शादी का ही। ये वैवाहिक परंपरा है कि अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज से साथ, और मजेदार चीज है उस पूरी शादी में अग्नि की ही सबसे कम व्यवस्था की जाती है, कई बार तो एक कुल्हड़ में मैंने देखा है कि कुल्हड़ में थोड़ी सी अग्नि जल रही थी और उसके चारों ओर शादी कर ली। अब इस मान्यता को जो प्राचीन है पुरातन है इसको प्रामाणिक भी मान रहे हैं आज भी, के 7 फेरों को जो है अगर कोर्ट भी डिसीजन कहीं कोई तलाक का मामला पहुंचता है तो कहता भाई 7 फेरे तुमने लिए हैं, किया है वो किया अग्नि के साक्ष समक्ष, लेकिन उस अग्नि की कोई व्यवस्था अग्नि के लिए उस पूरी शादी में कहीं कोई प्रॉपर स्थान नहीं। ठीक है, अच्छी बात है कि हम लोगों ने एक एक मुद्दे को जांचना शुरू किया है, ध्यान देना शुरू किया है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे आपको अपने जीने में, ऐसे एन नंबर ऑफ मान्यताएं दिखाई देंगी जिसको हम मान के जी रहे हैं, जिसको हमने जांचा नहीं है। तो अपना फुल पर्पज तो यह कि आपके अंदर एक संवाद शुरू हो जाए, आप अपने आप से जांचना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, अच्छी बात है। अब हमारी एक सजगता बढ़ी है, हमने अपने अंदर जो बहुत सारी चीजों को माना हुआ है उस पर ध्यान देना शुरू किया है, अच्छी बात है। इस पर ध्यान दें तो इससे बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। मूल बात यह है कि अभी हम सहज स्वीकृति को ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं, तो इनमें से हर एक गतिविधि को देखें, विवाह, विवाह का पर्पज क्या है, विवाह में सहज स्वीकृति का मुद्दा क्या है, तो यह कि दो लोग साथ साथ मिलकर एक दूसरे के सुख समृद्धि में सहायक हो पाए और एक नई पीढ़ी का निर्माण कर पाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं, उन तरीकों में कुछ चीजें समझने के आधार पर भी होंगी, कुछ चीजें मानने के आधार पर होंगी, यही सारी बातें तो हमारे समझने के लिए है, यही सारी बातें तो हमारे जांचने के लिए है। जी समीरा जी कुछ कहना चाह रही है, आपने अभी कहा था कि जो शादी में जिसकी शादी हो रही है वो ये चाहता है, तो मेरी जब शादी हो रही थी तो मैं चाहता था कि मेरी शादी मंदिर में हो जाए, बाकी सारी जो चीजें हैं वो सारी व्यवस्थाएं उसमें ना हो, क्योंकि मैं सिंपल जीना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी मम्मी, मेरे पापा सब लोग चाहते थे कि एक दूसरे व्यवस्था से शादी हो, जिसमें डीजे तो बात नहीं लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके अलावा दूल्हा जो है एक शेरवानी पहनता है शादी के दिन, और एक फिर मंगनी में कपड़े पहनता है, फिर एक जो है ये क्या कहता है एट होम में। तो मेरा ये भी था कि एक ही कपड़े में सब कुछ हो जाए, लेकिन उन लोगों की वो फिर भी मैंने 2 ही लिए, 3 नहीं लिए। तो कई बार ऐसा होता है, जो आप संबंधों की रिलेशन की बात कर रहे थे ना, कि मैंने देखा कि भाई हमारे जो घर वाले हैं उनकी भी खुशी है किसी चीजों में, तो उनकी खुशी के लिए जो हमारी अपनी इच्छा थी उसको जो है हमने थोड़ा सा दरकिनार किया, हमने कहा कि उनकी खुशी के लिए ये चीजों को, लेकिन हमारी जो अपनी इच्छा थी वो ये थी कि जो है एक सरल सहज सौम्य तरीके से इसको किया जाए। धन्यवाद, मैं बस यही कहना चाहता था, जो आपने एक बात कही थी कि जो जिसकी शादी हो रही वो ये चाह रहा है, तो उस पर मेरी ये बात है। ठीक है, या तो उसकी इच्छा हो गई या घर वालों की इच्छा हो गई, किसी की इच्छा से हो रहा है जिसके अंदर कोई मान्यता दृढ़ बन गई है। जी समीरा जी कुछ कह रही है। जी मैं बस इन्हीं सारी बातों को एक साथ ही देख पा रही थी अभी, कि पिछले 1.5 साल में जो हमारी मान्यताएं हैं, जैसे ही ये पेंडेमिक शुरू हुआ है वो सारी मान्यताएं दरकिनार हो गई हैं।
अगर हम शादी को ले तो हजार की शादी नहीं संभव है, और आदेशात्मक रूप से ले या कैसे भी ले वो 10 लोगों में सिमट गई है। वो भी कई बार लोग परेशान रहते हैं उस पूरे कार्यक्रम के लिए भी। ये तो शादी का उदाहरण है, लेकिन अगर हम कहें कि एक जमाने में ये कहा जाता था कि मंदिर या नवरात्रि या ईद की नमाज बिना इसके नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी पिछले 1.5 साल में दोनों बार सारे त्योहार आके चले गए, सारे पट बंद है, सारे दरवाजे बंद है, और ये सब चीजें बदल गई हैं। तो क्या हम इसे अब मानेंगे कि अब हमारी मान्यताओं में परिवर्तन शुरू हुआ है या ये एक नई मान्यता मान ली जाएगी? दोनों ही संभावना, या तो मान्यताएं बदली हैं या मान्यताएं यथावत हैं बट उनको निर्वाह करने के लिए अभी अवसर नहीं है, क्योंकि ये पेंडेमिक तो इस तरह की चीज है कि जो ना किसी राष्ट्र ने, ना किसी सरकार ने, ना किसी व्यवस्था ने लागू की है। ये तो हम सबके जीवित रहने की मजबूरी के अंतर्गत हमको करना है। तो क्या आने वाले समय में हम सब जो समूह यहाँ बैठा है ये इसी तरह से अपने आप को देख पाएगा क्या? ये भी मेरा तो मान्यताएं जी, तो मान्यताएं बदली हैं ऐसा निश्चित नहीं है, मान्यताएं यथावत है परंतु उनको पूरा करने के लिए अभी अवसर नहीं है। परिवार में तो मेरा बस यही एक सबमिशन था कि क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका है, हो सकता है 3री बार भी ऐसा हो, तो आने वाले वक्त में ये जो हमारी मान्यता जिसको आप शब्द बोल रहे हैं ये बदला हुआ रहेगा कि ऐसा नहीं हुआ। वही मैंने कहा कि मान्यता बदल भी सकती है किसी स्थिति परिस्थितिवश, या ये भी हो सकता है कि स्थिति परिस्थितिवश मान्यता यथावत है पर इसको पूरा करने का अवसर नहीं है। जैसे अभी हम लोग दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं, परंतु अब पैंडेमिक है, कोरोना का चांस है, तो नहीं गले मिल रहे हैं। जब ये हो जाएगा कि अब पैंडेमिक चला गया तो लोग गले मिलना शुरू करेंगे, तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया है समय और के अनुसार, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन के प्रति हमारी जो सोच है वो बदल गई, जो मान्यता है वो बदल गई है। जी अभी बहुत सारी चीजें हमें चर्चा करनी है, थोड़ा संक्षेप लेते हैं। नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नितिन जी बताएं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि मान्यताओं का संबंध कुछ डर से भी है, जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको कुछ लोग डर के कारण मानते हैं। जैसे किसी की शादी या विवाह होता है तो कहते हैं कि इन देवता के पास में नारियल फोड़ दो, या किसी ने नहीं फोड़ा तो नहीं, आपने नहीं फोड़ा तो ऐसा हो गया, जबकि उसकी साइंस से हम परिचित नहीं होते हैं, उसकी प्रमाणिकता, उसका जो वैज्ञानिक तथ्य है वो हम खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कई मान्यताएं इसीलिए चल रही हैं कि लोगों को डर है कि नहीं ऐसा ना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो परखने का समय है, जैसा कि आपने हमें समझाया है अभी, कि हमारी समझ जो है विकसित होना चाहिए, हम सही चीज़ों को जांच सकें, उनको मान सकें, उनको वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार तोल सकें, उसके बाद ही उसको माना जाए। और जो आपके हृदय को, जो आपकी चेतना को, जो आपका अंदर से अंतर्मन से जवाब आता है वही सही है। तो संभवतः अगर हम साइंस से उनको तोलें तो डर छूट जाएगा, तो ये मैं विचार रखना चाहता था। धन्यवाद। अच्छी बात है। हम सब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि अल्टीमेटली हमें जांचने की जरूरत है, और जांचने का एक सफल आधार अपने पास वो है हमारी सहज स्वीकृति। गणेश जी कुछ कह रहे हैं? हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं अपनी बात रखना चाहता था कि लोक मान्यताएं जो है लोक में देश काल और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है। जैसे पहले बाल विवाह होते थे, किसी समय मान्यता थी, और जब समय बदला तो आज बाल विवाह को हम गलत परंपरा मानते हैं, अमान्य करते हैं, और आज काल और परिस्थिति के अनुसार जो है उसको हम नहीं मानते। इसी प्रकार से जीवन और मृत्यु को लेकर के भी कई मान्यताएं हैं, अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग प्रकार से लोग मानते हैं इसको, कहीं पुनर्जन्म मानते हैं और कहीं पुनर्जन्म नहीं भी मानते हैं। तो ये मान्यताएं जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील भी है। हो सकता है कि एक मान्यता जो मेरे लिए उचित है वो किसी और स्थान पे उसको नहीं माना जाता हो। तो मान्यताओं में सार्वभौमिकता नहीं होती, मान्यताओं में निरंतरता नहीं होती। जी जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक सभी जनजातियों में अलग अलग मान्यताएं हैं। जी जी, देखने में मिलते हैं। पहले हमारे यहाँ एक सप्ताह की शादी निकलती थी और लगभग सप्ताह भर तक कार्यक्रम चलते थे, और आज एक दिन या दो दिन में शादी हो जाती है। तो ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये मान्यताएं बदली भी है, और
समय के अनुसार हम उसको मान्य भी करते हैं और कई बार जो है जब अनुपयोगी होती है हमारे लिए तो हम अमान्य कर देते हैं। तो ये दोनों ही चीजें मान्यता के साथ में जी। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया और अभी जो मैंने आपसे प्रश्न रखा था उसका रिस्पॉन्स में आपके सामने रख दिया कि आप देख पा रहे क्या कि अगर आपकी कल्पना मान्यता है संवेदना पर तो आप प्रतंत्र हैं। इसमें ज्यादातर लोग सहमत हैं, 28 लोगों ने सहमति दी है, 6 लोगों ने कहा कि न सहमत न असहमत, 2 लोग असहमत हैं। ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा संवाद शुरू हुआ है और हम लोग चीजों को जांच पा रहे हैं। थोड़ा सा और देखिए ना तो दिखाई देगा कि हमारे जीने का 2 ढंग हो सकता है। एक तो ये कि हमारे अंदर सही समझ हो, इससे सहज स्वीकृति के आधार पर हमारी सारी इच्छाएं निश्चित हो। जैसे हमारी सहज स्वीकृति का संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जिए हैं, तो हमारी एक इच्छा है कि मेरा मैं अपने आप में सुखी रहूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे संबंधों में मेरा निर्वाह ठीक हो, मेरे आसपास की प्रकृति अच्छी हो। तो ये देखें तो सारी इच्छाएं आपस में इनमें सामंजस्य है। इन सारी इच्छाओं को एक साथ जब पूरा करने जाते हैं तो आधार पर जो विचार तैयार होता है उसमें भी सामंजस्य होता है, लय होता है, संगीत होता है। उसके आधार पर जो हम आशा रखते हैं उसमें भी एक लय होता है, संगीत होता है। ये हुआ जब हमारे अंदर लय है, सामंजस्य है, संगीत है, ये ऊपर का जो होता है ना। अगर ऐसा नहीं है, अगर समझ का भाव है तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि सहज स्वीकृति के आधार पर ना होकर संवेदना से हमारी इच्छाएं चल रही हैं। तो एक इच्छा दूसरी इच्छा के विरोध में खड़ी है, दूसरी इच्छा तीसरी इच्छा के विरोध में खड़ी है और हमारी अपनी इच्छाएं आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़ी है। तो जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए विचार करने जाते हैं, विचार आपस में विरोध में आ जाते हैं। फिर उस विचार से जो आशा तैयार होती है, जो आशा बनती है, वो भी अपने आप में विरोध में आ जाती है। और इसलिए हमारी अपने आप में ही अगर अपनी कल्पनाशीलता को देखें इतना सारा विरोध बन जाता है। इसलिए प्रयोग करने लायक है, आप अपने साथ एक दिन बिताइए। ठीक, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, किताबें नहीं है, कोई अगला व्यक्ति भी नहीं है, आपको अपने साथ होना है एक दिन और फिर देखिए शाम तक आपकी क्या स्थिति हो जाती है। आप अपने साथ कितने आराम में हैं, कितने आप परेशान हैं, आपको दिखाई देगा क्या कि बहुत सारी इच्छाएं हैं जो एक दूसरे की विरोधी बनी हुई है। उन इच्छाओं को पूरा करने के विचार कर रहे हैं अपने आप में विरोध में खड़े हैं, आशाओं में विरोध बना हुआ है। अब जैसे क्या हो गया, मूल इच्छा का पता नहीं, निरंतर सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, पता नहीं है। इच्छाएं क्या होगी, अधिक से अधिक भोग कर लें, लाभ हो जाए, लोग हमें पहचान लें, संवेदनाओं की तृप्ति हो जाए। अब इतनी सारी इच्छाएं आपस में हो गई, एक को पूरा करना, ये दूसरे के साथ विरोध शुरू हो जाता है। फिर देखने की बात है कि हमारी स्थिति अभी ऊपर की है या नीचे की है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, है ना, जिसमें आपको दिखाई देगा कैसे हमारी इच्छाएं एक दूसरे की विरोधी हो जाती हैं। हम लोग बांदा में एक ऐसा ही शिविर कर रहे थे, वहाँ के एक प्राथमिक विद्यालय में, तो सारे टीचर बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने इच्छाओं की सूची बनानी शुरू की। आपका आज असाइनमेंट भी है जिसमें इच्छाओं की सूची बनानी है आपको, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो उसमें जब इच्छाओं की सूची बनाने की बात हुई तो उन्होंने अपनी इच्छा रखी जीते जी अपार संपदा, मरने के बाद मोक्ष। अब आप सोचिए, ये एक टिपिकल इच्छा है जो कई बार लोगों के अंदर होती है कि जीते जी अपार संपदा हो। अब इसमें अपने आप में फंसावट है, जब ऐसी इच्छा होती है कि अपार संपदा हो, अब जितनी भी संपदा होगी कभी अपार नहीं होगी, उसका एक पार तो होगा ही। दूसरी कठिनाई क्या है कि जब अपार संपदा के लिए काम करते हैं तो मोक्ष छूटता है, मोक्ष के लिए काम करते हैं तो अपार संपदा छूटता है। अभी इन दोनों इच्छाओं में विरोध है, एक तो ये इच्छा अपने आप में ही विरोध में है अपार संपदा, फिर अपार संपदा अगर इच्छा एक है और इच्छा दो विरोध मोक्ष है, इन दोनों विरोध तो होगा ही। अब जब आदमी अपार संपदा के लिए काम कर रहा है तो परिवार पर कितना ध्यान देगा, मोक्ष के लिए काम कर रहा है तो परिवार पर कितना ध्यान देगा। अब तीसरी इच्छा बन गई, परिवार में सभी मुझे इज्जत दें, स्वीकारें, मेरा सम्मान करें, अब वो पराजित हो रहा है। अब इसी इच्छा के साथ अगर हम दफ्तर आ जाएं और दफ्तर में सोचें कि सभी मेरा कहना मांगे ना, सभी मेरे इशारे पे चलें, अब वो इच्छा पराजित हो रही है। अब ऐसी अनेक इच्छाएं हम बना लेते हैं अपने अंदर जिसका आपस में विरोध बना हुआ है और वो अंतर विरोध हमको दुखी रखने के लिए पर्याप्त है। क्या लगता है, बात ठीक है? चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ऐसा होता है नहीं होता है, इच्छाओं में ऐसा अंतर विरोध होता है या नहीं होता है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी मुकेश जी कह रहे हैं ऐसा है, वर्णा जी कह रही हैं, विजय जी कह रही हैं, सीमा जी कह रही हैं, प्रवीण जी कह रहे हैं, विक्की जी कह रही हैं, बहुत अच्छा।
अभी अपना अध्ययन करेंगे ना तो ऐसा ही दिखाई देगा। निष्कर्ष क्या होता है, हम यहाँ पहुंच जाते हैं, सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो अगर कल्पनाशीलता हमारी अपने आप में अनिश्चित है, अव्यवस्थित है, ये भ्रम की स्थिति है। इनमें से कई कल्पनाएं हमारी सहज स्वीकृति से विपरीत हो जाती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है बहुत सारी इच्छाएं एकत्र कर ली हमने, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे विचार चलते हैं, अपेक्षाएं बनी रहती हैं, और इसके आधार पर सुख फलित होता नहीं है। तो जब हम अपने विचारों के क्रम को भी देखने जाते हैं ना, तो कुछ ये जो आपको ये केड़ी मेरी लाइनें दिख रही ना, ऐसा कुछ विचार दिखाई देता है। एक विचार आया कि भाई अपार संपदा हो जाए, फिर उससे विचार आया कि ऐसा भी हो जाए कि सभी पूरा ज्ञान हो जाए, फिर ऐसा भी हो जाए कि परिवार में स्वीकार है, फिर ऐसा दफ्तर में मुझे सभी सम्मान दें, फिर ऐसा हो जाए कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल एक है ना फिल्मी एक्टर जैसा हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए। अब ये इतनी सारे हम अपने अंदर कल्पनाएं बना लेते हैं जो आपस में विरोध में खड़ी होती हैं, और हम थोड़ी देर में अपनी कल्पनाशीलता से थक जाते हैं। अब सोचिए, थोड़े महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अगले व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल कैसे हो पाएंगे। अभी हम सबकी शिकायत है कि दूसरा व्यक्ति हमसे ठीक व्यवहार नहीं करता, दूसरा व्यक्ति हमारे साथ ठीक नहीं जीता, हमारे संबंध में कठिनाई है। जब आप अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है तो अगले के साथ तो आपको डिस्कम्फर्ट दिखेगा ही। उसका कारण भले हम दूसरे को बताते हैं, समस्या तो भीतर है, समस्या आपकी अपनी इच्छाओं में है। एक आपका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। अभी ज्यादातर मेरी कल्पना की वर्तमान स्थिति क्या है, व्यवस्थित या अव्यवस्थित, इस पर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अपनी कल्पनाशीलता का थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो दिखाई देगा कि कल्पनाशीलता का बड़ा हिस्सा जो है मान्यताओं से प्रभावित है, इन मान्यताओं के दबाव या प्रभाव में है। एक और हिस्सा है जो संवेदनाओं के दबाव या प्रभाव में है, और एक छोटा हिस्सा है जो हमारी सहज स्वीकृति से नियंत्रित है, सहज स्वीकृति से निश्चित है। अभी ये अपनी कल्पनाशीलता के अध्ययन की बात हुई। ऐसा हमें से हर एक व्यक्ति को अध्ययन करना है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारी कल्पनाशीलता कितनी मान्यताओं से आ रही है, कितनी संवेदनाओं से आ रही है, कितनी सहज स्वीकृति से आ रही है। अच्छी बात है कि आप लोग इतने निष्ठा से इस बात को कह पा रहे हैं, तत्परता से इस बात को कह पा रहे हैं कि हाँ अभी अव्यवस्थित है। ज्यादा लोगों ने कहा कि अव्यवस्थित, अच्छी बात है, हम इसको देख पा रहे हैं, कम से कम स्वीकार पा रहे हैं। अगर हमको आज अपनी स्थिति स्वीकार हो जाए तब तो हम आगे की स्थिति के लिए काम कर पाएंगे। एक और प्रश्न पूछते हैं आपसे, मैं अपनी कल्पनाशीलता के स्रोत को देख सकता हूँ, मेरी कल्पना का प्रमुख स्रोत क्या है, मान्यताएं, संवेदनाएं या मेरी सहज स्वीकृति। अभी लोग कुछ कम हुए हैं, सुबह वाले सत्र में करीब 60 लोग थे, अभी मुझे 52 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा दोपहर में लगता है, कुछ लोगों के सोने का भी समय है। जी, इसको जांच के देखें हम कि अपनी कल्पनाशीलता का स्रोत हमें क्या दिखता है, मान्यता, संवेदना या सहज स्वीकृति। अगर मुझमें समझ पूरा हो जाए, मेरे में समझ की पूर्णता हो जाए, तो समझ के आधार पर मेरी पूरी कल्पनाशीलता व्यवस्थित हो सकती है, संगीतमय हो सकती है, ऐसा ही चाहते हैं कि नहीं, कि हमारी पूरी कल्पनाशीलता समझ के आधार पर व्यवस्थित हो जाए, संगीतमय हो जाए, जिससे हमारे हर व्यवहार कार्य में उभय सुख हो, उभय समृद्धि हो, शरीर में स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाए। परंतु उसके लिए जरूरी यह है कि हमारे में समझ की पूर्णता हो जाए। समझ की पूर्णता कैसे होगी, जब हम जांचेंगे, समझेंगे, इस काम को अभी हम लोग बैठ के कर रहे हैं। अभी जो मैंने पहले आपसे प्रश्न किया था, तो अच्छी बात है, हम इसको विश्लेषण कर पा रहे हैं। कई लोग कहना है कि हमारी मान्यताओं से आ रही है कल्पनाशीलता, कई लोग कह रहे हैं संवेदनाओं से आ रही है, कई लोग कह रहे हैं सहज स्वीकृति से आ रही है,
परंतु अगर ठीक से विश्लेषण करेंगे तो आप में से हर व्यक्ति इसका विश्लेषण कर सकता है, कितनी मान्यता से आ रही, कितनी संवेदना से आ रही है, कितनी सहस्वीकृति से आ रही है। कम से कम को ये तो दिखाई दे कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता का अध्ययन करना है। इसी क्षण में जो मेरे अंदर कल्पना चल रही है, अगर विरोध का भाव बन रहा है किसी के प्रति, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई मान्यता है हमारी, विरोध की मान्यता है। अगर शरीर से संवेदना लेने के लिए कोई भाव चल बन रहा है अपने अंदर, तो संवेदना उसका स्रोत है। परंतु यदि मैं आराम में हूँ, मैं वैसी स्थिति में जैसा मुझे सहज से स्वीकार है, तो सहज स्वीकृति से आ रही है। एक बात है, तो हम सभी चाहें कि मेरे में समझ की पूर्णता हो, ताकि मेरी पूरी कल्पनाशीलता समझ के आधार पर व्यवस्थित हो, नियंत्रित हो। ऐसा होता है तो मेरी सहज स्वीकृति और मेरी योग्यता, इन दोनों में परफेक्ट हार्मनी होती है, लय होता है, सामंजस्य होता है। जैसा मैं हूं वैसा ही मैं होना भी चाहता हूं, इन दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो मैं सुख में रहता हूं, संगीत में व्यवस्था में होता हूं मैं। ये वांछित स्थिति है, यहां हम पहुंचना चाहते हैं। अगर हम विकास की बात करें, जो कल हम लोग कर रहे थे, अल्टीमेटली विकास तो मनुष्य का होना है, मनुष्य में विकास भी मैं का होना है, सेल्फ का होना है। और मैं में विकास का मतलब भी यही है कि समझ की पूर्णता हो जाए, यही कुल करने का काम है। बाकी सब कुछ जो कर रहे हैं इसी अर्थ में है, ये हो जाए तभी बाकी सब कुछ सार्थक है। ये ना हो पाए और बाहर हम बहुत सारा दुनियादारी फैला दें, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं है, ये समझने की बात है। एक और रिफ्लेक्शन लेते हैं आपसे। कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मेरी पूरी कल्पनाशीलता सही समझ के आधार पर, या मेरी कल्पना को जैसा है वैसा बनाए रखूं। इस पर अपना रिफ्लेक्शन दीजिए। ये रिफ्लेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मेरी बात कितनी आप तक पहुंच पा रही है, आप कितना जांच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका आंकलन हो पाता है। जैसे फेस टू फेस में होता है ना, तो हम लोगों से पूछते हैं, कोई सर हिलाकर कोई शब्दों में अपनी बात रख देता है कि हाँ ये बात ठीक है, बात ठीक नहीं है, वैसा ये रिफ्लेक्शन है। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, उस बात को आप देख पा रहे हैं, उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए कुछ असाइनमेंट है अभ्यास हेतु। तो स्वयं तथा शरीर के सहस्तित्व के रूप में मानव है, तो एक अभ्यास हम लोगों ने किया था कि ये देखना कि समझ है या संबंध है या सुविधा कैसे जुड़ा है। फिर हम देखा था मैं से जुड़ा या शरीर से जुड़ा है। अब ये देखना है कि ये किससे संबंधित है इच्छाएं, जैसे पैसा क्यों सुविधाओं के लिए, तो सह स्वीकृत है, ठीक है, सुविधाओं की जरूरत है। बट ये सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए चाहिए तो मान्यता से आ रही है इच्छा, मौज मस्ती के लिए चाहिए तो संवेदना से आ रही है, प्रसिद्धि नाम मिल जाए, दूसरों से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो मान्यता से आ रही है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, तो सह स्वीकृत है। बट टेस्ट के लिए बहुत ही शार्प टेस्ट का कोई भोजन चाह रहे हैं, जिसको अच्छा भोजन कह रहे हैं, संवेदना से आ रही है। भोजन शो ऑफ के लिए भी हो सकता है, कई बार लोग भोजन शो ऑफ के लिए भी करते हैं कि भाई इतना सारा भोजन हमने यहाँ से मंगा के इतने महंगा भोजन खाया। एक कार अगर आवागमन में शरीर की ऊर्जा को बचाने के लिए, तो सह स्वीकृत है। अगर समाज में सम्मान पाने के लिए, तो मान्यता है। कार में बैठ के अच्छा दिखेंगे, तो संवेदना है। शांति अगर स्वयं में चाह रहे हैं, सह स्वीकृत है। ऐसे हम अपनी इच्छाओं का आकलन कर सकते हैं। तो आज आपको जो असाइनमेंट है उसमें तीनों अभ्यास आपको करने हैं, उसके कुछ आपका रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। अगर कोई इमीडिएट रिफ्लेक्शन है तो बता दें, तब तक मैं इसको क्लोज करता हूँ पोलिंग को। चार लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं अपनी कल्पना को जैसा है वैसे बनाए रखने का चाहता हूँ, मैं सहज। इनमें से कोई अगर व्यक्ति अपना हैंड रेज करे तो मैं उनसे थोड़ा सा ओपिनियन मिल लूंगा। बाकी सभी लोगों ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी कल्पना सही समझ के आधार पर हो, मेरी कल्पना को जैसा है वैसे ही रखूं, मैं इसका सहज हूं। अच्छा, गणेश जी कहना चाह रहे हैं। जी बताएं। हेलो जी। हाँ सर, मैं अपनी मान्यताओं को जो है अपनी समझ के आधार पर तय करना चाहता हूँ। इसमें तो बात हुई ना जी, इसका निष्कर्ष तो हुआ कि आप समझ चाहते हैं, ना कि मान्यताओं को बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, मान्यताओं को समझ होगी तो मान्यताओं को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। जी जी जी, ठीक है, ठीक बात है जी, धन्यवाद।